आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं अब की अहम खबर पर। तरफ से सबसे पहले आप सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारी आवाज़ के लिए यहाँ पहुँचे हैं सभी। और जो आज का हमारा एजेंडा है वो एजेंडा है सीनियर्स आर्टिस्टों के लिए, और ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे साथ जो यंग टैलेंट है आज हमारे जम्मू कश्मीर का, वो भी हमारे साथ खड़ा है। और सीनियर आर्टिस्टों के लिए जो एजेंडा है वो ये है कि जो 40-50 से ऊपर हैं उनके लिए एक तो पेंशन प्लान लगाया जाए। अगर स्टेट लेवल पे पहले का लगा था पेंशन प्लान तो वो अभी तक कलाकारों को मिला क्यों नहीं? इसलिए हमारी डिमांड है कि अगर अभी जम्मू यूटी बन गया है तो वो सेंटर डिपार्टमेंट की तरफ से इनके लिए कुछ जो हैं वो स्कीम्स बनाई जाएं। कोरोना वायरस लोगों के लिए आज आया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके लिए कोरोना वायरस लॉकडाउन बहुत पहले से है, क्योंकि आप सब खुद मीडिया कर्मी हैं और आपको पता होगा कि जो दूरदर्शन है वो काफ़ी देर से बंद पड़ा है, रेडियो में इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है, और जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न है उनकी पेमेंट्स नहीं है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। टूरिज्म जब से यूटी के अंडर आया है किसी भी अफसर ने ये इंशेंटिव नहीं लिया है कि कलाकारों के लिए कोई प्रोग्राम्स कराए जाएं। आपने खुद देखा होगा ना कोई बैसाखी है, ना कोई लोहड़ी है, कुछ नहीं है। कोरोना तो अभी मार्च में आया होगा, उससे पिछले साल भी कुछ नहीं था। अब हमारी डिमांड गवर्नमेंट से यही है कि इन कलाकारों के लिए जो है वो एक तो सीनियर्स जो कलाकार हैं उनके लिए पेंशन लगाई जाए, और जो दूसरे कलाकार हैं जो अगर उनकी पेंशन स्कीम से नीचे की एज में हैं तो उनके लिए भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हो, कोई ऐसी स्कीम हो। देखिए आज पंजाब में हर जगह पे आपने देखा होगा यंग टैलेंट जो है वो सुसाइड कर रहा है। हम तो सलूट करते हैं अपने सीनियर आर्टिस्टों को कि इतना सब कुछ फेस करके भी, लाइफ को अपडाउन देख कर भी वो अभी तक स्ट्रांगली खड़े हैं, और उन्होंने आज तक अपनी इतना लाइफ का जो 35 साल 40 साल 50 साल दिए हैं उसके बावजूद इतनी परेशानियों में वो लोग खड़े हैं। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।